सुनिए, मैं सोच रही थी कि भाभी की इद्दत खत्म हो गई है, तो क्यों ना थोड़े दिनों के लिए उनको यहां पे ले आए, उनका दिल भी बहल जाएगा। अच्छा ख्याल है, मैं कल तुम्हें खुद साथ लेके चलूंगा वहां पे। ठीक है। मॉम, डैड, यूनिवर्सिटी ने फाइनली मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। कांग्रेचुलेशंस। हां, इसका मतलब है कि तुमने अपने आप को सजा देने का पक्का फैसला कर लिया। हां मॉम। सबा, ये खुशी के मौके पे कैसी बातें कर रही हो तुम? ये बताओ कि जॉइनिंग कब से? नेक्स्ट वीक से। टाइम तो बहुत कम है, लेकिन मैं बात करता हूँ। थैंक यू। हाय रुबा। हेलो। लग रहा है कोई खास बात है। जी बिल्कुल, खास खास बात है, मेरा यूएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। ओह वाओ, कांग्रेचुलेशंस, दैट्स वंडरफुल। थैंक यू भाई। आज तुम्हारा मूड भी बहुत अच्छा है, इसका मतलब है ये भी कोई खास बात है। जरा मुझे बता तो चले। मॉम, आपका एक्सरे ना कुछ ज्यादा एक्यूरेट होता जा रहा है। सही पहचाना आपने, हुदा ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अरे वाह, इसका मतलब है कि हुदा ने तुम्हें माफ कर दिया है, इसीलिए दोबारा ऑफिस ज्वाइन किया है ना? वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो पहले किया था ना आपने, वैसा मत कीजिएगा प्लीज। मेरा उल्टा सीधा करने की ही वजह से उसने दोबारा ऑफिस ज्वाइन किया है, समझे? डैड, सिर्फ आप और आपकी औलाद जिद्दी नहीं, ये जो आपकी बेगम साहिबा है ये भी किसी से कम नहीं। आ रूम में आ जाओ।